अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिलेक्स पावर सॉल्यूशन। मैं आपके सामने आज IGBT को टेस्ट करने का नया तरीका लेकर आया हूँ। IGBT को आप 12 वोल्ट के टेस्ट लैंप से टेस्ट कर सकते हैं। IGBT के 3 पॉइंट्स हैं, गेट, कलेक्टर, मीटर। नहीं जी, मैं आपको पहले बता दूँ कि हमें सबसे पहले एक IGBT जो है ना हमने ली है, इसके साथ इसका हीट सिंक है और एक 12 वोल्ट का टेस्ट लैम्प है। 12 वोल्ट के टेस्ट लैम्प से आप IGBT को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ कनेक्शन वायर चाहिए जो और बैटरी के साथ हमने अटैच करनी है, लैंप के साथ अटैच करनी है। IGBT को हीट सिंक के साथ स्क्रू के साथ टाइट कर लेंगे ताकि जो है ना टेस्टिंग के दौरान IGBT हीट होती है नॉर्मल सी, क्योंकि बल्ब का लोड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप छोटा बल्ब भी ले लें, इसमें मेरे पास ये बल्ब टेस्ट लैम्प जो है वो तकरीबन 70 वाट का है। इसके गेट, कलेक्टर और मीटर IGBT का हमने कलेक्टर साइड थोड़ी सी ओपन कर दी है अप साइड पे। अब बल्ब जो टेस्ट लैंप है हमारे पास 12 वोल्ट का, इसकी पॉजिटिव वायर लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर लगा लेंगे थिम्बल के साथ ताकि इसमें लूजिंग वगैरह ना रहे। ले जी, हमने दूसरी वायर भी इसके साथ, नेगेटिव वायर भी इसके साथ लगा दी है। इसमें इस मेथड में आप IGBT को बगैर उसके मल्टीमीटर के टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ बैटरी की पल्स देकर। IGBT ऑन होगी तो टेस्ट लैंप रोशन हो जाएगा, IGBT ऑफ होगी तो टेस्ट लैंप ऑफ हो जाएगा। ले जी, बैटरी की पॉजिटिव हमने लैंप के साथ जो हमारा टेस्ट लैंप है उसके साथ लगा दी है। बैटरी 12 वोल्ट हमने बैटरी ली है, 12 वोल्ट की पॉजिटिव टेस्ट लैंप के साथ डायरेक्टली लगा दी है और जो नेगेटिव है वो हम लगाएंगे बल्ब की नेगेटिव जो है, टेस्ट लैंप की नेगेटिव हम इसके IGBT के कलेक्टर पॉइंट के साथ लगाएंगे। IGBT का जो सेंटर पॉइंट है इसका कलेक्टर पॉइंट है, इसके कलेक्टर पॉइंट और हीट सिंक जो है ना क्योंकि इस वक्त कॉमन है तो मैं इसको नेगेटिव को इसके कलेक्टर के साथ हीट सिंक के साथ लगा देता हूँ। ये जो हमारा टेस्ट लैंप है उसकी नेगेटिव है, पॉजिटिव हमने डायरेक्ट लगा दी है, नेगेटिव हमने IGBT के कलेक्टर के साथ लगा दी है और जो बैटरी की नेगेटिव है वो हम लगाएंगे इसकी IGBT के एमीटर पॉइंट के साथ। बैटरी की जो नेगेटिव है उसको हम IGBT के एमीटर के साथ लगा देंगे। मैं आपको लगा के चेक करवाता हूँ। बैटरी नेगेटिव एमीटर के साथ लगा दी है और चूँकि ये एक सिंगल IGBT है, ये बिल्कुल एक शॉर्ट मेथड है। और अब मैं आपने एक हाथ, एक उंगली IGBT की पॉजिटिव पे रखनी है और गेट के ऊपर हल्की सी पल्स देंगे पॉजिटिव की, नेगेटिव पर रख के नेगेटिव की पल्स देंगे तो बल्ब टेस्ट लैम्प ऑफ हो गया। पॉजिटिव के ऊपर हाथ रख के पॉजिटिव की पल्स देंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, IGBT ऑन हो गई है इसका मतलब है। नेगेटिव पर हाथ रख के नेगेटिव की पल्स देंगे तो IGBT ऑफ हो गई है। मैं आपको क्लियरली दिखा दूं, सिर्फ हाथ से, यानी कि एक ये आप काम एक 100K की रेजिस्टेंस भी लगा के कर सकते हैं, कोई माइनर रेजिस्टेंस भी लगा के कर सकते हैं, बहुत ही इसका ये इजी है। बैटरी का पॉजिटिव टेस्ट लैंप के साथ है, टेस्ट लैंप का नेगेटिव IGBT के कलेक्टर पॉइंट के साथ है और IGBT को नेगेटिव हमने दे दी है, बैटरी की नेगेटिव IGBT के मीटर के साथ दे दी है। नहीं जी, मैं आपको ये चेक करवा रहा हूँ कि बैटरी के पॉजिटिव और गेट के ऊपर रखता हूँ हाथ तो वो टेस्ट लैंप ऑन हो जाता है और गेट और नेगेटिव, बैटरी की नेगेटिव और गेट, यानी कि जब नेगेटिव पल्स उसे मिलती है IGBT को तो वो ऑफ हो जाती है, पॉजिटिव पल्स मिलती है तो IGBT ऑन हो जाती है। नहीं जी, उम्मीद है IGBT टेस्ट करने का ये नया तरीका आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।